वैसे तो चंडीगढ़ से शिमला का बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, लेकिन अगर आपने एक बार भी टॉय ट्रेन से कालका टू शिमला ट्रेवल नहीं किया है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। ये ऑसम एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो हर इन्फॉर्मेशन जो आपको इस सफर में जाने से पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि टॉय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, उसकी टाइमिंग्स क्या है, कितना टिकट्स का प्राइस है, और साथ ही साथ कितने टाइप के कोचेज होते हैं उसके अंदर, और कौन सी क्लास में टिकट बुक करना सबसे बेस्ट रहेगा, और सबसे मेन बात की टिकट्स को बुक कैसे करना है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि किस साइड की अगर आप सीट लोगे तो आपको बेस्ट व्यूज देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है कालका रेलवे स्टेशन से, जो कि टॉय ट्रेन का पहला स्टेशन है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएंगी कालका तक, और उनकी पहुंचने की टाइमिंग भी ऐसी है कि टॉय ट्रेन के चलने के टाइम से पहले आप यहां पहुंच जाओगे। यहां से टोटल 6 ट्रेन शिमला के लिए जाती हैं अलग अलग टाइमिंग्स पे। पहली ट्रेन जो चलती है उसकी टाइमिंग है 3:30 बजे मॉर्निंग में, और उसके बाद सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में 4 और ट्रेन चलती हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि सुबह 5 बजे के बाद वाली ही किसी ट्रेन पे ट्रेवल करना, क्योंकि सुबह सुबह का सफर बहुत सुहाना लगेगा और बाहर देखने को नजारा भी बहुत अच्छा मिलेगा दिन की रोशनी में। जैसे हैरी पॉटर फर्स्ट पार्ट में हॉगवर्ट्स जा रहा होता है, बिल्कुल वैसा तो नहीं पर मैजिकल जरूर लगेगा ये सफर। कालका से शिमला का टोटल ट्रैक 96 किलोमीटर का है और बीच में 18 स्टेशन आते हैं, एंड ये सभी टॉय ट्रेन आपको ऑलमोस्ट 5 आवर्स में शिमला पहुँचा देती है। टॉय ट्रेन की टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो IRCTC की वेबसाइट या किसी भी ऐप से जिससे ट्रेन की बुकिंग्स होती हैं। एक बात नोट करना कि आप इसकी बुकिंग्स बहुत एडवांस में नहीं कर सकते, मैक्सिमम 1 मंथ पहले आप टिकट्स बुक कर सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि कौन कौन सी क्लास में आप टिकट्स बुक कर सकते हो। बेसिकली इसमें 3 टाइप के कोचेस होते हैं। इन सब में प्राइस का डिफरेंस तो है ही, और भी काफी डिफरेंसेस हैं जो अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। पहले नंबर पे है 2S, जिसे सेकंड सिटिंग बोलते हैं। इसका फेयर सबसे कम है, जो कि है ओनली 65 रुपीज पूरे सफर का। एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी और स्टेशन से भी शिमला के लिए बुक करते हो, फॉर एग्जांपल सोलन टू शिमला, तो भी फेयर इतना ही रहेगा। बाकी कोचेस से कंपेयर ना करें तो 2S में कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी विंडोज हैं और सीट्स आपको बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी लग सकती हैं, लेकिन बाहर की व्यूज की वजह से आपको सब अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर पर जो क्लास है वो है CC, मतलब चेयर कार। इसमें आपको सीट्स थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलेंगी, और वॉशरूम तो हर कोच में प्रेजेंट है ही। इसका फेयर ₹250 से ₹400 के बीच में है, डिपेंड करता है अलग अलग ट्रेन पे। और सिमिलरली बड़ी विंडोज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप सफर का मजा ले सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले विस्टाडोम कोचेस भी एड किए गए हैं कुछ ट्रेन में, जिसमें ऊपर छत पे ग्लास लगे होते हैं, जो कि सफर के मजे को और बढ़ा देते हैं। इसकी सीटिंग एग्जैक्टली चेयर कार जैसी ही होगी, बस ऊपर ग्लास लगा होगा। एंड इस क्लास का नेम है EC, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास, और इसका जो फेयर है वो अराउंड 450 रुपीज पर पर्सन है। नेक्स्ट क्लास है FC, मतलब फर्स्ट क्लास। इसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक तो होती है कैबिन टाइप की सीट्स, और दूसरी टाइप बिल्कुल चेयर कार जैसी है, बस उसमें स्पेस थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा। इसका फेयर वेरी करता है अलग अलग ट्रेन पे, 400 से 800 रुपीज तक आपको इसका फेयर देखने को मिल जाएगा। एक सबसे यूनिक क्लास और भी है, वो वैसे अपने आप में एक अलग से ट्रेन ही है, जिसका नाम है रेल मोटर और रेल कार। बेसिकली ये अपने आप में कंप्लीट ट्रेन है बस जितनी। इसका इंजन अलग से नहीं होता, बल्कि कोच के साथ ही अटैच्ड होता है। अगर आपका कुछ 16-17 बंदों का ग्रुप है तो आप ये भी बुक कर सकते हो। ऐसा फील आएगा कि स्पेशली आपके लिए ही ये ट्रेन चली है। इसकी एक सीट का प्राइस अराउंड ₹850 है, और सबसे कम टाइम यही ट्रेन लेती है सब में से। ट्रेन की बुकिंग्स कैसे करनी है ये भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस जर्नी में 107 टनल्स एंड 864 ब्रिजेस आएंगे, जस्ट इमेजिन। और जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है उसकी लेंथ है 1100 मीटर्स, और वो बरोग स्टेशन से जस्ट पहले ही आएगी। एक खास बात बताता हूँ इस रेलवे रूट के बारे में कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है। ब्रिटिशर्स ने इसकी नींव रखी थी आज से काफी साल पहले, तो सफर तो सुहाना होगा ही, और ये भी होगा कि आप एक काफी ऐतिहासिक जगह पर हो। एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब कालका से शिमला की तरफ जाओगे तो राइट साइड वाली विंडो सीट ही प्रेफर करना, सबसे सही व्यूज वहीं दिखेंगे। 70% रास्ते में टर्न्स हैं, तो आप जब भी बाहर देखोगे विंडो से तो आपको ट्रेन कर्व में दिखती रहेगी, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट कैसे बुक करनी है। सबसे पहले आप अपने फोन में IRCTC ऐप ओपन कर लीजिए, फिर वहां पे टाइप करिए कालका टू शिमला। जैसा कि मैंने कालका सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे 2 में शिमला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब करता हूँ सर्च ट्रेन्स पे क्लिक, तो मेरे पास यहाँ पे सारी ट्रेन्स आ जाएंगी 6 की 6। तो जो मैं बात कर रहा था कि 5 से 7 बजे के बीच में 4 ट्रेन्स चलती हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि 6:20 से पहले जो भी ट्रेन हैं, उनमें आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास ही बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो 6:20 पे जो ट्रेन है उसमें आप 2S और CC भी बुक कर सकते हो। एंड आप फर्स्ट नंबर पे वो रेल मोटर देख सकते हो जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे आप देख सकते हो फेयर 800 रुपीज़ है, टैक्सेस वगैरह लगा के ये कुछ 830-840 बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी बुकिंग कर सकते हो, पैसेंजर डिटेल्स एंटर कर सकते हो। 5 आवर्स में आप शिमला पहुंच जाओगे। अगर सुबह 5:45 वाली ट्रेन में हो तो 11 बजे के आसपास आप शिमला पहुंच जाओगे। वहां से आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। शिमला के रेलवे स्टेशन से माल रोड बस 1.5 किलोमीटर दूर है। आपको आसानी से ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। दुनिया भर के अच्छे होटल्स आपको माल रोड पर मिल जाएंगे एंड उसके बाद आप शिमला एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं और आपके अच्छे प्लान बनवा सकूं। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए 1 लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।